हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर को समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इट मींस अ सॉल्यूशन इन अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन एंड द होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, होमोजीनियस मिक्सचर शुगर इन वॉटर एंड सॉल्ट इन वॉटर एक्सेट्रा। अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं या सॉल्ट को हम वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्म होगा। नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? जो सॉल्यूशन है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द कंपाउंड प्रेजेंट इन अ हायर अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट होता है वो किसी भी, अगर हम मान लीजिए किसी को मिक्स कर रहे हैं और उसका जो अमाउंट है जिसके अंदर उसको डिजॉल्व करना है, उसका अमाउंट हम ज्यादा लेंगे, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? वाटर। अगर हम एग्जांपल में देखें कि जो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। कि वाटर के अंदर शुगर को ऐड करना है, इसी तरह से वाटर के अंदर सॉल्ट को, वाटर की जो पावर है या जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहेगी, तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट। अब सेकेंड है सॉल्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज द कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लोअर अमाउंट। ये क्या होता है? लोअर क्वांटिटी में रखा जाता है। लोअर क्वांटिटी में क्या रहेगा? यहाँ पे शुगर और सॉल्ट, ये लोअर क्वांटिटी में रहेगा जो ऐड किया जाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब इस जो सॉल्यूशन किस तरह से बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसको समझते हैं कैसे होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये टू ग्लास है जिसके अंदर वाटर लिया हुआ है और ये ग्लूकोज पाउडर है, दिख रहा होगा आपको ग्लूकोज पाउडर। अब क्या करेंगे, ये जो ग्लास में जो पानी लिया हुआ है, वाटर आपको जो दिख रहा है, इट इज अ सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें देखिए इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इसको ज्यादा लिया हुआ है अमाउंट को। अब इसमें और जो हमने ये जो ग्लूकोज पाउडर लिया है, ये क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में इसमें ऐड करना है। अब देखिए अगर मैं इसको ऐड करना स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं इतना चम्मच लेके इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में इसको डिजॉल्व कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे आप ये कि पूरा क्या हो गया? मिक्स हो गया, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेशन में ज़्यादा ले लूँ, मतलब जो ग्लूकोज पाउडर है उसकी जो क्वांटिटी को मैं बढ़ा दूँ, और फिर उसके अंदर जो सेकंड जो ग्लास है इसमें वाटर रखा हुआ है उसके अंदर अगर मिक्स करूँ, ये क्वांटिटी देखिए ज़्यादा है उससे पहले वाले से, और इसके अंदर मिक्स कर दूँ, जो टेस्ट होगा अगर मैं इसको चेक करूँ तो देखिए इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब इतना टेस्ट नहीं है इसका। और अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा तो क्या होगा? इसका जो टेस्ट होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कंसंट्रेशन और बढ़ा दो, इसमें और ये जो ग्लूकोज पाउडर ऐड कर दो, तो ये और टेस्टी हो जाएगा। तो ये कहने का मीनिंग है कि जो हमने एक्टिविटी जो करके देखी है, इट इज अ सुपर स्ट्रॉन्ग। ये जो बन रहा है सिर्फ सेकंड ग्लास, मान लीजिए इसको फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकंड, तो जो सेकंड वाला जो ग्लास के अंदर जो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है? जो ग्लूकोज पाउडर ऐड किया गया है। तो ये जो बना है इट इज ए स्ट्रॉन्ग मोर देन, किससे अगर हम बात करें जो फर्स्ट ग्लास है, इसी तरह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट होगी। इसकी जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो स्ट्रेंथ है इससे डिफर है, इसकी स्ट्रॉन्ग हाई है और इसका लो है। इसी तरह से ये हाईएस्ट अमाउंट कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन जो पावर है वो क्या है? लार्ज है, ज्यादा है, मोर देन है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और इस किस तरह से इसकी परसेंटेज निकाली जाती है, और किस तरह से अगर मान लीजिए वाटर और अगर शुगर का हमें अमाउंट वगैरह अगर दिया हो तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।